फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसपी कुकिंग शो। आज हम तिल की एक बहुत अच्छी डिश बनाने जा रहे हैं। बिना चीनी के मावा डालेंगे और ये गुड़ गुड़ मैंने ग्रेट किया है, 250 ग्राम गुड़ है, ग्रेट करके ही डालें। और ये 250 ग्राम तिल है, तिल को मैंने भून लिया है, ड्राई रोस्ट कर लिया है। तिल को किस तरह से भूनना है ये देखो, ये बिना भूने तिल है और ये भुने हुए, इतना सा कलर चेंज करना है, नहीं तो ये कड़वे हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं भूनना। और ये देखो, भूनने के बाद ये इस तरह से हो गए हैं। अभी मैं इनको ठंडा हो गए हैं, ठंडा होने पे ही इनको मिक्सी में चलाएं थोड़ी देर और थोड़ा दरदरा रखें। बिल्कुल फाइन चॉप नहीं, फाइन नहीं करना हमने, बस हल्का सा दरदरा करना है इसको, इतना सा ही ऐसे करना है, दरदरा सा, बिल्कुल ब्रीक नहीं करना। ये ठंडा होने पे मैंने करे हैं तो अच्छे से हो गया है। गरम गरम नहीं इनको ग्राइंड करना क्योंकि ये ऑयल छोड़ देते हैं। बिल्कुल ठंडा होने पे ही ग्राइंड करें। अभी सबसे पहले हम, ये मेरे पास 250 ग्राम तेल थे तो 250 ग्राम ही गुड़ लिया है, क्वांटिटी बता दूँ इसकी मैं। और ये 200 ग्राम मावा डालना है, ये मेरा आधा किलो है, मैं हाफ कर लूँगी इसका। और सबसे पहले हमने कढ़ाई में मावा डालना है। ये कढ़ाई रखी है, ऐसे थोड़ा तोड़ के डालेंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे अच्छे से, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मावा हमारा हो गया है, इसको अभी ठंडा करना है। ठंडा, ठंडे में ही गुड़ डालें, गर्म गर्म में गुड़ ना डालें। अभी हमारा ये नीचे उतार लेंगे, ये हमारा ठंडा हो गया है मावा। अभी हम ग्रेट किया हुआ गुड़ डाल देंगे, मिक्स करेंगे। ये गुड़ पिघलने लग गया है, जल्दी पिघल जाएगा क्योंकि मैंने ग्रेट करके ही डाला है। अगर ऐसे कूट के भी डालती थोड़ा सा, उसमें भी टाइम लग जाता है। ये मावा और गुड़ मैंने मिक्स कर लिया है, मावा जो है वो ठंडा हो जाए तभी गुड़ डालें ग्रेट करके, तो अच्छे से पिघल जाता है। ये पिघल गया है, अभी हम ये मिक्सी किए हुए तेल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने थोड़े तिल जो हैं बचा के रख लिए हैं भुने हुए, क्योंकि बाद में हमारे काम आएंगे, चाहिए होंगे हमें। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्स हो गया है, अभी इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर, कि हमारा डो जो है टाइट हो जाए। फ्रिज में रख दो या कहीं हवा में ऐसे फैला के रख दें, मैं बाहर ही फ्रिज के हवा में फैला के रख रही हूँ, इसका ठंडा होने का वेट करते हैं। ये फ्रेंड्स, टाइट हो चुका है हमारा डो मावा और तेल का। अगर आपका टाइट ना हो तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप इसमें और तेल ऐड कर सकते हो। और जो गुड़ है वो देसी ही यूज़ करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी सबसे पहले हमने ये चॉपिंग बोर्ड लिया है, ऊपर हमने फॉइल पेपर ले लिया, इसको हम ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे कि हमारा डो जो है वो चिपके ना। थोड़ा सा हाथों पे भी लगा लो, अभी हम डो को इस तरह से उठाएंगे, तेल जो है फैला लेंगे शीट पे इस तरह से, ज़्यादा नहीं, और जो डो है वो चिपकेगा भी नहीं। इसको बेलने से अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अभी मैंने ये कुछ कतरन है उसकी, ड्राई फ्रूट की, आप जो भी ड्राई फ्रूट खाते हो आपको अच्छा लगता हो इस टाइम आप डाल सकते हो इसके ऊपर, पिस्ता, काजू, बादाम, ये सब मैंने काट, इसकी हेल्प से हमने इसका एक टाइट रोल बनाना है। इसके साथ आगे ऐसे लेके जाते जाएंगे, पर इसको नहीं हमने रोल करना, जो फॉइल पेपर है इसकी हेल्प से हमें इसको रोल करना है, इस तरह से हाथ से भी सेट करते जाएंगे ऐसे। इस तरह से चॉपिंग बोर्ड थोड़ा छोटा था तो मैंने इसको, ये स्लैब जो है साफ़ है, साफ़ करी हुई थी तो मैंने ये इस पर अच्छे से ऐसे स्प्रेड कर दिया। अब दो टुकड़ों में इसको फिर फॉयल पेपर में डाल के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडा होने को रख देंगे, फिर हम इसको कट करेंगे। फ्रेंड्स, इसको अभी हमने नीचे स्लैब पे कर लिया था गोल गोल, तो अभी इसको ऐसे अच्छे से
शेप आ जाए इस तरह से। बड़ा था रोल तो मैंने दो रोल बना लिए। इधर से इसको ऐसे रोल कर लेंगे। अब ये दोनों रोल हम फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये रोल हमने एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दिए थे। अभी हम इनको बाहर निकालते हैं, हार्ड हो गए हैं थोड़े। हम फिर ऊपर थोड़े से तिल डाल अभी फ्रेंड्स हम रोल काट लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने कट कर लिए हैं। ये मैंने हाफ रोल भी बनाए हैं और फुल रोल भी बनाए हैं। फुल रोल देखो इस तरह से बना है, ये देखिए बीच में ड्राई फ्रूट कितना अच्छा लग रहा है, पिस्ता काजू सब दिख रहे हैं। और जो हाफ रोल है वो इस तरह से बना है। तरह भी खा सकते हो आप, इंजॉय करें बना के ये वाली चीज़ें घर पे ही, बहुत अच्छी बनती हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये आप तिल और मावा के रोल कब बना रहे हो। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तिल और मावा की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।